नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमएसएड न्यूज और मैं हूं श्रृंखला प्रियदर्शनी। कांग्रेस की होने वाली जन आकांक्षा रैली पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक उत्साहित। रैली को राहुल गांधी करेंगे संबोधित। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। रैली में 5 राज्यों के लोग होंगे शामिल। बिहार कांग्रेस प्रभारी है शक्ति सिंह गोहिल। रैली अभूतपूर्व होगी। सदानंद सिंह, 30 साल बाद बिहार में कांग्रेस की बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में होनी है। राहुल गांधी इस रैली में लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। जन आकांक्षा रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर है। रैली से पहले मीडिया से बात करते हुए प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने प्रधानमंत्री मोदी को जुमलेबाज करार देते हुए राहुल को सच्चे दिल वाला बताया। रैली की कमान संभाल रहे राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी मोदी सरकार की शिक्षा स्वास्थ्य पर हमला बोलते हुए 3 फरवरी की रैली को ऐतिहासिक होने वाली रैली बताया। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस के सीनियर नेता सदानंद सिंह ने भी जन आकांक्षा रैली को जन जन की आकांक्षा वाली रैली करार देते हुए कहा कि यह रैली अब तक की बिहार की सबसे बड़ी रैली होगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने रैली की सारी तैयारी पूरी करने की बात कही है। देश की जनता के लिए होनी चाहिए, वो 4.5 साल में नहीं हुई। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हित का टकराव है। भाजपा का कोषाध्यक्ष बजट पेश करता है, वैसे मॉरल और मोदी वो कभी साथ साथ नहीं चलते हैं, वो एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में चलते हैं। वरना मॉरली भाजपा का कोषाध्यक्ष बजट पेश नहीं करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पर यहां सारी संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से तोड़ रहे हैं, ऐसा ही है। एक छल के अलावा इस बजट में कुछ नहीं है। आपके और कोई सवाल हो तो उनका स्वागत है। देखिए, किसानों के लिए इन्होंने सिर्फ 5 एकड़ वाले को 6,000, और वो भी अभी नहीं, दो हेक्टेयर ठीक, मैं एकड़ बोल रहा हूँ, हेक्टेयर ठीक है बोल रहा हूँ, 5 एकड़ तो 2 हेक्टेयर का मतलब 2 हेक्टेयर माने एकड़ 5। हाँ जी, तो उसमें एक किस्ती, माने आपकी सरकार तो अब 60 दिन बचे हैं और किस्ती में दे रहे हो, माने आप चुनाव के बाद पैसा देना है, उसका वादा इंटरिम बजट में आज करते हो। ये छल है, किसी का कोई फायदा नहीं है। आपको इनकम टैक्स में द्यौरा देना है, माने इंस्पेक्टर राज कर रहे हो कि आपको ठीक लगेगा तो आपको मुक्ति उस हद तक मिलेगी, वरना नहीं। या कोर्ट जब डिसाइड करती है, लाइक गुजरात में कन्विक्ट हो गया, माने कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया, फिर भी शुरू रखा, आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट जब तक तय नहीं करे, यही लालू प्रसाद जी है, वो अगर मोदी जी से हाथ मिला लिए होते तो आज जेल में नहीं होते, वो पाक साफ नेता बन जाते, मोदी जी उसको मैनेज कर लेते। सीबीआई के अफसरों ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव था, और अमित शाह 3 मर्डर में चार्जशीट में गुनेगा, सबसे बड़े दागी हो गए ना वो तो। एक तुलसीराम प्रजापति, जिसके नाम में तुलसी भी है राम भी है, प्रजापति हिंदू, उसका मर्डर भी उसके नाम पे था। एक अपील सीबीआई फाइल नहीं की उसके खिलाफ, एक अपील, वन अपील, और लालू प्रसाद जी के ऊपर अपील के अपील अपील पे वो अपील होती है। तो ये दुगना चेहरा है। मैं आप सबसे विनती करता हूं, हमारे वहां कहा जाता है कि जिसका अन्न इकट्ठा होता है उसका मन भी इकट्ठा होता है, सब साथ मिलके भोजन लेंगे। भाई बहन, माता बुजुर्ग, युवा साथी, आइए 3 फरवरी सुबह 11 बजे राहुल गांधी जी की जनसभा में गांधी मैदान में आइए, और आपके आशीर्वाद से गांधी मैदान ऐसा भरे कि ये मैदान छोटा पड़ जाए। ये मैं निमंत्रित करता हूँ आप सभी साथियों को भी, मैं राहुल गांधी जी को मिलने सुनने के लिए। मेरे तीनों नेता आपको थोड़ी बात रखेंगे, उसके बाद आपके कोई भी सवाल हो तो उन सवालों का स्वागत रहेगा। आगे की खबरों के लिए बने रहे एमएसएड न्यूज के साथ। धन्यवाद।